हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड। तो देखिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, यहाँ से हम लोग को करना था, इधर से टेस्ट पेपर नंबर 1 से। इसके पहले के मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे। अब देखते हैं आप कौन कौन से डाउट लेकर के आए हैं। तो जैसे पहला ये क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा। तो भाई बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, मीटर को लेके जाना है किलोमीटर में। किस में लेके जाना है, मीटर को किलोमीटर में। तो बेटा मीटर को किलोमीटर में लेकर के जाना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, बोलिए सुनो। अब अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, अपॉन में क्या है, सेकेंड स्क्वायर को आवर स्क्वायर में बदलना है। तो भाई सबको पता है कि 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 आवर, बस तो यार पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये देखो 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर को किलोमीटर में बदल लिया, तो 1/1000 मतलब 10^-3 और नीचे 1/3600 आ गया, स्क्वायर कर दिया तो इतना आ गया। बोलो क्लियर है बच्चों, एनी प्रॉब्लम। अगला वाला मैंने कल आप लोग को सेकेंड वीडियो में कराया था, बनाया कि फिर से बताऊँ। सेकेंड वाला 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको बदलना है ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूबिक सेकेंड स्क्वायर, मतलब एसआई सिस्टम को सीजीएस में लेकर के जाना है। कहो करवाया जाए कि बन जाएगा, करवा देते हैं, ओके गुड। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम सेपरेट विंडो में लेके चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन अपने पास आ चुका है, अब आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो बेटा ये क्या है, अपने पास ये है 6.67 × 10^-11 बेटा न्यूटन, अब न्यूटन लिख दिया है, तो न्यूटन होता क्या है, तो भैया न्यूटन का मतलब होता है ML2T^-2, बोलो होता है कि नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है ना, ML T^-2 होता है, क्योंकि न्यूटन इक्वल टू होता है ML T^-2, हो गया कि नहीं हुआ। M फॉर किलोग्राम, बोलो M फॉर क्या होगा, किलोग्राम। L फॉर क्या होगा मीटर, और T^-2 मतलब सेकेंड^-2, बोलो यस और नो। बल ये केवल बेटा हमने न्यूटन की जगह रखा, किसकी जगह रखा है, न्यूटन। अब एक है मीटर स्क्वायर, क्या है, एक है मीटर स्क्वायर, और नीचे है एक है किलोग्राम का स्क्वायर, बोलो यस और नो। अब ध्यान से देखो, एक किलोग्राम से एक किलोग्राम क्या हो गया, कैंसिल, और ऊपर आपके पास एक मीटर है, दूसरा मीटर क्यूब है, तो कितना बन गया बेटा, इसको तो वैसे का वैसे लिख दो, 6.67 × 10^-11, बोलो यस। फिर इसके बाद भैया मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब, और मीटर के क्यूब के बाद यहाँ पे है सेकेंड^-2, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मीटर का क्यूब हो चुका है और सेकेंड^-2, बोलिए ठीक है। अब चलिए अपन को इसको बदलना है सीजीएस में, तो 6.67 × 10^-11, आप जानते हैं, एक मिनट किलोग्राम में लिखना भूल गया, kg^-1 भी तो आएगा, बोलिए ऐसा नो, क्योंकि नीचे था तो ऊपर चला गया, बोलिए ऐसा नो। अब चलिए सबसे पहले मैं केजी को तोड़ता हूँ, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 1000 ग्राम, तो यहाँ पे आएगा 1000 g^-1, ठीक है ना। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मीटर की जगह आएगा 100 सेंटीमीटर का क्यूब, और सेकेंड^-2 को वही रहने दो, सेकेंड^-2, चलो इसको सॉल्व कर लो। 6.67 × 10^-11 × 1 लगा है, तो इसको मैं क्या 1/1000 g लिख सकता हूँ, इंटू 100 सेंटीमीटर^3 है, मतलब 100 × 100 3 बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm³, और सेकेंड^ कितना, -2, बस इसको सॉल्व कर लीजिए भाई साहब, 3 जीरो में से 3 जीरो उड़ जाएगा, बोलो यस। और ये देखिए कितना हो गया, 6.67 × 10^-11, अब यहाँ पर कितने जीरो बच गए, देखिए 3 जीरो थे, टोटल 6 जीरो थे बेटा, तो 3 जीरो बच गए, ये जीरो काटना था एक्चुअली लास्ट में, तो ये 3 बच जाएंगे, लास्ट के 3 कट जाएंगे, है ना, तो कितने बच गए, 10^3 × 10^3 cm³, बोलो यस और नो। और ग्राम का इन्वर्स, क्योंकि ग्राम नीचे तो ऊपर आ जाएगा, ग्राम का इन्वर्स, और बन जाएगा सेकेंड^-2, यही आंसर होगा आपका, बोलो क्लियर है। और ज़्यादा से ज़्यादा 10^3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो -11 पावर और +3 पावर क्या बचेगी, 10^-8, कितनी बचेंगी, 10^-8, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बताइए, अब बताइए, ये तो होमवर्क था आपका, मैंने टेस्ट पेपर नंबर 1 आपको होमवर्क दिया था, अब बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन ही बना, पहला हो गया, समझ में आ गया ना, क्लियर है ना बेटा। ये देखिए आंसर बिल्कुल सही है, 6.67 × 10^-8 g/cm³ sec^-2, ठीक है।
चलिए अब अपने अपने टैब पे ओपन कर लीजिए फाइल, बताइए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन SI यूनिट और टेम्परेचर कौन सा नहीं बना, क्योंकि आई बिलीव कि आप लोग करके आए होंगे, तो कौन सा नहीं बना है क्वेश्चन बताइए मुझे। यस 170 तो बता दिया भाई मैंने, पेज नंबर 170 तो बता दिया, 176 बताना है। ओके ये लो भाई साहब 176, ओहो ईजी क्वेश्चन है यार, ये तो बन जाना था बिल्कुल। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है कि इफ फोर्स एफ एक्सेलेशन एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी। मतलब बच्चे आपको लिखना है एनर्जी की डायमेंशन को, एनर्जी को लिखना इन द टर्म्स ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम, बोले यस और नो। तो मैं मान लेता हूँ कि एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर ए, बोलो हाँ, एक्सेलरेशन की पावर बी, बोलो यस और नो, ए कैपिटल दिया बेटा, ए की पावर बी, एंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर सी, बोलो पक्की बात। तीनों को मर्ज कर दोगे, तीनों को मर्ज कर दोगे तो ये बन जाएगा, इसके पहले ऐसा एक्चुअली ये बनेगा ई प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए, ए की पावर बी एंड टी की पावर सी, बोलो हाँ है ना। फिर प्रोपोर्शनल हटाओगे बच्चे तो कॉन्स्टेंट आएगा, और फिर डायमेंशन लिख दोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, बोलो यस और नो। अब देखो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखिए, हाँ कॉन्स्टेंट आएगा ये देखो, अब डायमेंशन लिखते हैं बेटा, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है एम एल टू टी की पावर माइनस टू, बोलो यस। इधर पे एफ, एफ मतलब फोर्स, फोर्स की क्या होती है एम एल टू टी की पावर माइनस टू का होल पावर ए, एरिया की होती है एल स्क्वायर की पावर बी, और टाइम की होती कितनी सी। अब तो बन जाएगा ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड के दो इक्वेशन बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, बस तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की इक्वेशन बना लेना। कैसे बन जाएगा एक मदद कर देता हूँ, देखो बेटा लेफ्ट साइड में एम की पावर कितनी है 1, इधर पे एल की पावर कितनी है 2, टी की पावर कितनी है माइनस 2। अब चलो इधर आ जाओ एम के साथ खेलो, एम की पावर में कौन कौन, इधर से ए चढ़ा हुआ है, चढ़ा है ना, और तो कोई हो ही नहीं, सो गए सब के सब, तो मतलब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बाकी कर लोगे ना, कर लोगे हाँ। ऐसे सेकेंड एल के लिए, लो भाई एल के लिए आरुष पूछ रहा है कि सर एल का कैसे करेंगे, तो भैया एल की पावर में बेटा, एल की पावर में यहाँ से आएगा ए, क्या आएगा ए, और यहाँ से क्या आएगा 2b, कितना आएगा 2b, तो बेटा चलो हमारे पास a प्लस 2b, देखो यहाँ पे पावर a प्लस 2b है और यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो a प्लस 2b इक्वल टू कितना हो गया 2, और a की वैल्यू 1 आ चुकी है नहीं आ चुकी है, तो यहाँ से 1 प्लस 2b इक्वल टू 2, तो 2b इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 1, तो यार 1 हो गया, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, चलो हो गया, बन जाएगा ना। फिर बाद में टाइम का बता दो, बचा क्या, खत्म हो जाए क्वेश्चन। चलिए टी की पावर माइनस 2, तो टाइम का देख लेते हैं, तो टी की पावर देखिए बेटा माइनस 2a, बोलिए यस और नो, इधर पे खेल खत्म हो गया, इधर सी आ गया, तो माइनस 2a प्लस सी इक्वल टू बेटा देखो एल की पावर कितनी है माइनस 2 है, बोलिए यस और नो। अब a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू अपने कितनी लग रही है 1 निकल, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 ही तो हो गया, और प्लस c इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो c इक्वल टू कितना हो गया 0। चलो रख दो आंसर आने वाला है, तो आंसर यहाँ पे मास्टर इक्वेशन अपना ये है ना, है कि नहीं है बोलो, यही है ना, तो यहाँ से अपना आंसर आने वाला है, मैं आंसर लिख देता हूँ e इज इक्वल टू k, e इज इक्वल टू k, f की पावर a, बोलो बच्चों a कितना आया है 1, f की पावर 1, a की पावर b है ना, b कितना आया है, b भी 1 आया है, हाँ b भी 1 आया है ना, f की पावर 1, a की पावर 1 और t की पावर 0 है ना, तो आंसर कितना आ गया f की पावर 1, a की पावर 1 और t की पावर 2 आ रहा है, कहीं पर गलती कर दी हम लोगों ने, एक मिनट, t की पावर 2 आ रहा है, माइनस 2a प्लस सी, माइनस 2a प्लस सी, टी तो क्या है n टाइम t, क्यों गलत आ रहा भाई, माइनस 2a प्लस सी, तो हाँ एम एल टू टी की पावर माइनस 2 डायमेंशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है यार, तो माइनस 2a प्लस सी इक्वल टू माइनस 2। एक बार फिर से करता हूँ इस क्वेश्चन को, पूरे से देखिए, हो सकता है कहीं पर गलती कर दी हो तो इस वजह से आंसर नहीं मैच कर रहा हो। ओके चलिए आंसर क्या है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आ रहा है एफ ए टी स्क्वायर, मतलब जो एनर्जी है, एनर्जी ई इज इक्वल टू एफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। ओके एम एल टू टी की पावर माइनस 2, टी में सही गलत आ रहा है, मतलब बाकी चीज़ सही आ रही है, टी में गलत आ रहा है। चलिए एनीवे स्टार्ट करता हूँ मैं फिर से, देखिए भाई कह रहा है कि फंडामेंटल देन द डायमेंशन ऑफ एनर्जी,
तो एनर्जी, मैं डायरेक्ट जाता हूँ बेटे तीसरे स्टेप पे, हैं एफ की पावर बोलो कितना, ए, ए की पावर बोलो कितना, बी, और टी की पावर कितना, सी, ठीक है ना, बोलो भाई साहब, एक के पीछे लगा हुआ है, ओम कह रहा सर के लगाओ, लगा दिया, ठीक है ना, नंबर वन दे दो, ठीक है ना, इतना तो आ गया ना समझ में यार, वो प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल हटा करके सब यहाँ आ गए अपने यार। चलो भैया एनर्जी क्या होती है, एम एल टू टी की पावर कितना, माइनस टू, ठीक है ना, एफ, एफ की कितनी होती है बोलो, एम एल टी की पावर माइनस टू की पावर कितना, ए, ए क्या होता है, एल स्क्वायर की होल पावर बी, और टी मतलब टी होता है यार पावर सी, बोलो पक्की बात, पक्की बात। चलो भैया तो यहाँ पे हो गया एम की पावर वन, एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, चलो एम की पावर बोलो यहाँ से आएगी ए, खेल ख़त्म, एल की पावर कितना हो गया यहाँ पे, एम एल टी की पावर माइनस टू ए प्लस टू बी हो गया ना, और टी की पावर कितना हो गया, माइनस का टू ए प्लस सी, ठीक है ना। अब चलो कंपेयर करते हैं, सबसे पहले ए की वैल्यू किसकी हो गई, वन, ये देखो ये वन है, ये ए है, हाँ या ना, अगला ए प्लस टू बी इक्वल टू है बेटा कितना, टू, हाँ या ना, तो टू बी इक्वल टू टू माइनस ए, और टू बी इक्वल टू टू माइनस वन, तो टू माइनस ए है ना, तो टू बी, तो टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू टू, ओके, तो टू बी इक्वल टू कितना हो गया वन, सो बी इक्वल टू कितना वन बाई टू, ये कैसे हो गया भाई, बी की वैल्यू पिछले बार तो वन बाई टू नहीं आ रही थी अपनी, एक बार देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं करती थी, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस टू बी इक्वल टू टू, हाँ एम एल टू, हाँ 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 हाँ, क्या गलती कर रहे हैं पता है, एनर्जी की यूनिट में ए प्लस टू बी इक्वल टू टू है, सही है, ए प्लस टू बी इक्वल टू टू, और ए की वैल्यू वन, ए की वैल्यू वन, तो पिछले बार क्या गलती करी अपन ने, ए प्लस टू बी इक्वल टू टू, ए की वैल्यू वन, तो टू बी इक्वल टू टू माइनस वन, हाँ गलती करी ना, तो बी की वैल्यू यहाँ से टू बी इक्वल टू वन है, तो बी इक्वल टू कितना होगा, वन बाई टू, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बी इक्वल टू कितना क्या, वन बाई टू, एकदम सही बच्चों, बी की वैल्यू वन बाई टू, पिछले बार हमने यहाँ तक कर दिया था, टू बी इक्वल टू वन तो कर दिया, मगर बी की वैल्यू नहीं निकाली, बोलो यस, चलो आगे आ जाओ, माइनस टू ए प्लस सी, माइनस टू ए प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल है बोलो, माइनस टू के, हाँ या ना, तो माइनस टू और ए की वैल्यू वन प्लस सी इक्वल टू माइनस टू, बोलो पक्का, तो माइनस टू प्लस सी इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू से माइनस टू मतलब सी इक्वल टू कितना, अब भाई साहब इनका आंसर गलत है सोल्यूशन में, हमने जो वहाँ पर किया है अपना, अब बिल्कुल फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों, ई इक्वल्स टू के, बोलो फोर्स की पावर ए, ए कितना है वन, फोर्स कितना है वन, ओके, ए की पावर, एरिया की पावर वन बाई टू, और सी की पावर, टी की पावर कितना, जीरो, यही करेक्ट आंसर है बच्चों, हैं हमने इसको सॉल्व कर लिया, यही करेक्ट आंसर है, बोलो बन जाएगा पक्का, कोई दिक्कत, हाँ यही हमारा करेक्ट आंसर है, एम एल टू टी की पावर माइनस टू में इसी तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके अच्छा एक और तरीका है, एक और तरीका है, एफ इक्वल टू इतना, ए इक्वल्स टू एक्सलेशन इक्वल टू, ओ गलती क्या हुई है, हमने ए का मतलब क्या लिया है, एरिया, और यहाँ ए का मतलब क्या है, इस वजह से गलती हुई है, क्योंकि हम खेल रहे हैं भाई साहब एरिया पे, अब नोटेशन एक्चुअली कैपिटल ए किसके लिए लगता है, एरिया के लिए, मगर इन लोगों ने लिख तो रखा है और हमसे जानबूझ के गलती करवाने के लिए ब्रैकेट में कैपिटल ए दे दिया है, तो भैया जब आपने लिख रखा है तो गलती तो अपनी मानी जाएगी, तो बेटा करना कुछ नहीं है आपको, जहाँ पे आप ए की जगह एल स्क्वायर ले रहे थे वहाँ पे एक्सेलरेशन ले लेना, क्या ले लेना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है एल टी की पावर माइनस टू, अब आ जाएगा, बोलो पक्की बात, तो कितना आ जाएगा, एल टी की पावर माइनस टू, ठीक है, कहो भाई बन जाएगा, यस ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को कर लोगे कि मैं कराऊँ एक बार और, कर लोगे आरुष, बन जाएगा, चलो ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, तो ये कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है, एफ ए टी स्क्वायर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, जब आप सॉल्व कर लोगे तो ए बी सी की वैल्यू फिर से आ जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, ए की वैल्यू जो आएगी वन आ जाएगी, बी की वैल्यू भी वन आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू, कितनी आ जाएगी टू, तो ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन और सी इक्वल टू टू, क्लियर है, चलो और बताओ, बच्चों एक और तरीका है मेरे मन में, चलो क्यों ना उस तरीके को बता दिया जाए,
एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, वो मेरे मन में आ गया है, उस क्वेश्चन से इसको हम कर लेते हैं। आपको डेवलप करना है एनर्जी और विद द हेल्प ऑफ एफ ए एंड टी, समझो भाई, नया तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका आपने देखा नहीं होगा। देखिए, डेवलप करना है एनर्जी किसके टर्म्स में, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है, हो जाएगा डेवलप। आप जानते हो बच्चों, आप जानते हो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टू टी की पावर माइनस टू, बोलो यस। अब फोर्स, फोर्स लेकर के आना है, फोर्स कितना होता है एम एल टी की पावर माइनस टू, होता है कि नहीं होता? तो बच्चों ई में मैं एम एल टी की पावर माइनस टू कर दूं तो यहाँ पे एल अकेला बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो यस और नो। क्योंकि देखो एम एल स्क्वायर था ना, तो मैंने इतना पार्ट अलग कर दिया एम एल टी की पावर माइनस टू, बोलो यस और नो, और इन टू एल बच गया। बेटा मैं एम एल टी की पावर माइनस टू को क्या लिख सकता हूँ, एफ, क्या लिख सकता हूँ, पक्का, हाँ या ना, एफ लिख सकता हूँ इन टू, अब क्या बच गया मेरे पास, बोलो एल, क्या बच गया मेरे पास, एल। अपन के पास एफ तो आ गया, अब क्या लाना है, एक्सेलरेशन एंड टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम। बट बच्चे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है एल अपॉन टी की पावर टू, बोलो यस ऑन नो। तो क्या यहाँ से एल इक्वल टू ए टी की पावर टू हो जाएगा, सॉरी इसको कैपिटल ए ले लो यार, क्वेश्चन वाला परेशान कर रहा है, कैपिटल ए ले लिया है, तो एल इक्वल टू ए टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब जहाँ पे L है वहाँ पे मैं क्या पुट करता हूँ, A और T का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे पहली जगह तो F था, बोलो हाँ, और L की जगह है A और T का स्क्वायर, आ गया, बन गई क्या एनर्जी, तो आंसर आ गया F A T का स्क्वायर। ये देखो भाई साहब, समझ गए, जुगाड़ से किया है, किस मेथड से किया है, जुगाड़ से। कहो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, बोलो, समझ में नहीं आया, टी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टी खुद ब खुद आ गया, टी खुद ब खुद आ गया, एल को मैंने गायब कर दिया तो एल इक्वल टू ए इन टू टी हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो या सुनो। तो एल इक्वल टू कितना हो गया, ए इन टू टी स्क्वायर, तो ए इन टू टी स्क्वायर से ये लिख दिया मैंने एल की वैल्यू, पक्की बात, चले ना आगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बताइए, अगला क्वेश्चन कौन सा नहीं बना, यस आइए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, बहुत इजी यार, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो बच्चों कैसे होगा, अ रडार सिग्नल इज बीम टूवर्ड्स अ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ एंड इको रिसीव 7 मिनट लेटर। ये भाई साहब ये रडार है, रडार ने एक प्लैनेट को भेजा सिग्नल, यहाँ से सिग्नल गया और इसके बाद टकरा करके इको आता, मैंने तो बोला हेलो तो लौट करके आया है हेलो, समझ में आ गया ना, तो सिग्नल गया और लौट करके आया, भैया कितने में, 7 मिनट लेटर, 7 मिनट लेटर मतलब जाने में और आने में जो समय लगा है, तो जाने का समय अगर टी है और आने का समय भी अगर टी है तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों, टू टी, और टू टी बराबर है 7 मिनट, क्यू टी बराबर क्या है 7, तो 7 मिनट को भैया ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व कर लो, तो टू टी इक्वल टू 7, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, बोलिए ऐसा नो, ओके तो 2T 7/60, तो एक तरफ का टाइम निकाल लेता हूँ, टी इक्वल टू 7 × 60 अपॉन कितना 2, तो 30 हो गया, तो भैया 7 मिनट का आधा 3.5 मिनट मतलब कि कितना 210 सेकेंड, ये एक तरफ का टाइम है, कितने तरफ का, अब कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड अर्थ इज इतना, कह रहा कि वेलोसिटी ज्ञात करो, तो भैया वेलोसिटी इज इक्वल टू होता डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो सीधी रेखा जा रही है, सीधा सिग्नल जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितनी अर्थ से दूरी है, बोलो यस, तो 6.3 × 10^10 meters, बोलो यस, और डिवाइडेड बाई टाइम, तो एक तरफ का टाइम लो ना, क्योंकि जाने में ही इतना लग गया, तो एक तरफ का टाइम कितना लगा, बोलो 210, पक्का सेकेंड, बोलो यस और नो। अब इसको सॉल्व कर लो तो लो आंसर आ गया भाई साहब, ये देखिए 6.3 × 10^10, यस और नो। अब 7 मिनट था इंटू 60 सेकेंड, डिवाइड बाई 2 किया था कि नहीं किया था, तो वही 2 कहाँ पहुँच गया था, ऊपर, यस और नो। तो अपन ने तो पहले ही से सॉल्व कर लिया अपन ने, बोलो यस और नो। तो ये फार्मूला लगाइए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, क्लियर है, पक्की बात, बहुत बढ़िया।
चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 186 डाउट है बेटा, एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 186 को। ऐसे क्वेश्चन बाबू अपन लोगों बहुत सारे कर लिए, कर लिए कि नहीं कर लिए, ढेर करे ना, बोलो हाँ यार गाइस कितने सारे तो कर लिए यार। वही है पावर ए पावर बी, द वेलोसिटी वी ऑफ अ वाटर वेव्स में डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ। लियो भाई साहब, तो वेलोसिटी नंबर वन प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर ए, लैम्डा की पावर ए, डेंसिटी ऑफ द वाटर मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रो की पावर कितना बी, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी प्रोपोर्शनल टू जी की पावर कितना सी। तीनों को मिला दूं, बोलो हाँ, तीनों को मिलाने पर मेरे पास जो कंपोजिट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कितनी, वी इक्वल टू लैम्डा की पावर ए, वी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर ए है ना, दूसरा रो की पावर बी और जी की पावर कितना सी। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ कॉन्स्टेंट लगाओ, तो वी इक्वल टू के लैम्डा की पावर ए रो की पावर बी और जी की पावर सी। डायमेंशन ले लो बेटा, तो वी का डायमेंशन इक्वल टू कॉन्स्टेंट की डायमेंशन होती है नहीं, बोलो हाँ, लैम्डा की पावर ए, लैम्डा की पावर ए रो की पावर बी और जी की पावर सी। पक्की बात, पक्की बात, चलो वे पुट कर दो बेटा। वी क्या होती है, एल टी की पावर माइनस वन, एल टी की पावर माइनस वन। बेटा लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ, लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी लेंथ, लेंथ की पावर ए, बोलो यस ऑर नो। हाँ, रो मतलब एल टी की पावर माइनस थ्री, रो मतलब बेटा डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे बेटा थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब कि एम है ना, मैं मास किस में नापा जाता है, एम में, किस में, एम एल की पावर थ्री मतलब एम एल की पावर माइनस थ्री, एम एल की पावर माइनस थ्री है ना, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एम एल की पावर माइनस थ्री की पावर कितनी है बी, पावर कितनी है बी, और जी, जी मतलब एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होता है एल टी की पावर माइनस टू की होल पावर कितना सी। तो चलो भाई सब इक्वेशन कंपेयर करते हैं, ए बी सी की जोड़ी बनाते हैं, तो बेटा यहाँ पे मास तो है नहीं, मतलब एम जीरो, एल की पावर वन और टी की पावर कितना माइनस वन, बोलो यस ऑर नो। अब देखो सबसे पहले एम की पावर यहाँ से बी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एम की पावर क्या मिल गई, पक्का। एल की पावर देखो बेटा यहाँ से क्या है, ए है, और यहाँ से क्या है माइनस थ्री बी, क्या है माइनस थ्री बी, और यहाँ से क्या है सी, यहाँ से क्या है, देखो ना एल की पावर सी बैठा तो है भाई साहब, हाँ या ना। अब टी की पावर केवल इसमें ही बचा है माइनस टू सी, बोलो यस ऑर नो, टी की पावर माइनस टू सी। अब कंपेयर करने का वक्त आ चुका है भाई साहब, वन वन क्वांटिटी को हम ले करके कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मास की पावर जीरो, यहाँ पे बी है कि नहीं है, मतलब पहली चीज़ बोलो बी की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, बी की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, बोलो यहाँ पे टाइम की पावर कितनी चढ़ी है माइनस वन, और यहाँ पे कितनी है माइनस टू सी, मतलब माइनस का टू सी इक्वल टू माइनस का वन, माइनस से माइनस मतलब सी इक्वल टू कितना वन बाई, पक्का। अब ए आ गया है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, क्या निकालना है, ए निकालना है, तो इसको ले लें, तो माइनस ए माइनस सॉरी ए माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा वन, क्योंकि लेंथ की पावर यहाँ पे कितनी है बोलो वन है कि नहीं है, तो ए माइनस थ्री बी ये लिखो बना हुआ है, ए माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू कितना वन, बना है कि नहीं बना है, ए माइनस थ्री बी प्लस सी बी इक्वल टू कितना वन, बी की वैल्यू कितनी है जीरो, तो और ए की वैल्यू अपन निकाली नहीं निकाली, तो ए निकालना है, बी की वैल्यू जीरो है तो थ्री इंटू बी कितने हो गया जीरो, और सी की वैल्यू कितनी निकाली भाई ऊपर, सी की वैल्यू वन बाई टू, सी की वैल्यू कितनी है वन बाई टू इक्वल टू कितना वन, तो ए इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू, मतलब बोले तो ए इक्वल टू कितना, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, वैल्यू पुट कर दो, वी इक्वल टू के, ए क्या था लैम्डा की पावर ए, बोलो यस, तो लैम्डा की पावर कितना वन बाई टू है ना, जी क्या था बी, बी पावर हाँ है ना, तो वो भी कितनी आ गई लैम्डा वन बाई टू, बोलो यस नो। और तीसरा डेंसिटी की पावर जीरो हो गई, डेंसिटी पावर क्या हो गई जीरो, कोई दिक्कत बन जाएगा ना भाई, सी, सी था इसकी पावर आपकी, जी की पावर, सी किसकी पावर थी जी की पावर, तो जी की पावर में सी लग गया, सी कितना है वन बाई टू, और बी किसकी पावर थी रो की, डेंसिटी की, डेंसिटी की पावर जीरो है, सो बेटा आंसर आ गया वी लैम्डा की पावर वन बाई टू, जी की पावर वन बाई टू। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, वी के बाहर इसको लिख सकते हैं लैम्डा जी की होल पावर कितना वन बाई, और वन बाई टू होल पावर का मतलब होता है रूट, तो वी इक्वल टू के अंडर रूट लैम्डा इंटू जी, आंसर आ गया, बोलो क्लियर है, पक्की बात, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन भाई साहब, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, ये नीट के एग्जाम में आया हुआ बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया इन द एक्सप्रेशन एस इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, एस मेजर्ड इन मीटर टी सेकंड में है, तो यूनिट ऑफ सी बतानी है। यार बच्चों मैंने पढ़ाया है कि डायमेंशन का रूल कहता है कि लेफ्ट साइड के डायमेंशन का टर्म इक्वल टू राइट के जितने टर्म होते हैं उनका होता है, बोलो यस ऑर नो। तो भैया सी टी स्क्वायर, चलो ये हो गया, अपन को मतलब किससे सी से, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है यूनिट किसकी निकालनी, सी की, किसकी निकालनी है सी की, तो बाकी को तेल लेने जान दो, सीधे सी पे अटैक करो। बोलो एस की डायमेंशन कितनी होती है, लेंथ इक्वल टू सी टी स्क्वायर, सी की डायमेंशन, और टी तो टी का स्क्वायर होता है ना, तो सी को खोपचे में रखो और इसको नीचे जान दो, तो हो गया एल अपॉन टी का स्क्वायर। बोलो एल किस में होता है, मीटर,
और सी किस में होता है? सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। बोलो यस और नो। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। ये पीरियस का रेजोल्यूशन दिया हुआ है। ओके तो ये मेरे तरीके, कोई बिल्कुल जरूरी नहीं। देखिए बेटा ये तो MCQs है ना, MCQs में क्यों रेजोल्यूशन लिखना? ये तो आपको टीचर ने दिया रेजोल्यूशन समझने के लिए आपके, आपको एग्जाम में केवल डी लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। चलो डन, बहुत बढ़िया। हाँ, जो बच्चे क्लास 11th में ध्यान दे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, तो इसकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं बेटा, ये क्लास 12th की है। क्या है? क्लास 12th की। तो इसके लिए आपको जो मैंने लिस्ट दी है यूनिट की, वो क्लास 12th में से देख करके इसको टिक लगा देना। मतलब क्लास 11th के पर्पज से ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलो यस और नो। जैसे मैं बता दूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बी का हो जाएगा सेकेंड, बी का हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना? हाँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर पर, है ना? ओ सॉरी, मैं गलती कर दी। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है ओनली वेबर। क्या होती है? वेबर, समझ गए ना? और मैग्नेटिक इंडक्शन की होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन की होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। होती एक्चुअली ऐसी है, मैग्नेटिक इंडक्शन को बोलते हैं बी, और बी इज इक्वल टू होता है फाई अपॉन ए, फाई अपॉन ए, ये कहलाता है फ्लक्स। इसको नापते हैं वेबर में और ये होता है नीचे मीटर स्क्वायर। तो ये बन गई वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहीं से आंसर आ जाएगा। बी का कौन सा है? 3। तो बी का 3 इसमें बस है, तो भैया कुछ बनता नहीं है, तो सीधे आंसर क्या आ गया? ए, क्योंकि बाकी में तो है ही नहीं है, तो बाकी के आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर आ गया ए। समझ गए ना? तो जो 12th वाले मिलेंगे उनको छोड़ देना, वैसे बहुत कम मिलेंगे 12th वाले। वो लोग सर पढ़ाए नहीं गए हैं, तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप मेरे से पूछ लेना, वो पढ़ाए नहीं गए होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? तो करना क्या है भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पूरे करने हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कल तक ख़त्म कीजिए इसको, जितना जल्दी हो जाए, और डाउट्स लाइए। ओके, चलिए चलिए, देखिए बच्चों एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करता हूँ देखो इसको, ठीक है ना? तो अब सबसे पहले आपके पास क्या कंडीशन दी गई है? P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस ए जेड अपॉन के थीटा। P इज द प्रेशर, जेड इज द डिस्टेंस, के इज द वोल्टमैन कॉन्स्टेंट, ओके, एंड थीटा इज द टेम्परेचर। तो सबसे पहले भैया ये अनुमान लगाओ कि ई की पावर में ये लगा हुआ है कौन, ये चीज़। बोलो यस और नो। तो जो ई की पावर में होता है, मैंने बताया था वो कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है? तो माइनस ए जेड अपॉन पे ये जो के थीटा है, ये क्या होगा? कॉन्स्टेंट, मतलब एम जीरो एल जीरो टी की पावर जीरो। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो भैया ये तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। अब कॉन्स्टेंट हो गया एम जीरो एल जीरो टी जीरो, अब आपको किसकी यूनिट निकालनी है? अल्फ़ा की। ऊपर क्या लगा हुआ है? अल्फ़ा। तो आपको अल्फ़ा की यूनिट निकालनी है, ठीक है ना? आपको किसकी यूनिट निकालनी है? अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा की यूनिट कैसे निकालते हैं, देखिए किस तरीके से निकालेंगे अल्फ़ा की यूनिट। बैठो अभी। अल्फ़ा की यूनिट किस तरीके से निकालते हैं, देखिए। अल्फ़ा आपको पता नहीं है, अल्फ़ा छोड़ दो बेटा, ये भी अल्फ़ा होता है, ये भी ए, मतलब इसी को अल्फ़ा लिखते हैं, इसी को ए इस टाइप का लिखते हैं, ठीक ना? दोनों एक ही चीज़ है। तो मैंने एक ही जगह क्या लिख लिया? अल्फ़ा। क्या लिख दिया? अल्फ़ा। तो डर मत जाना, एक ही जगह अल्फ़ा। जेड क्या है? जेड डिस्टेंस है। जेड क्या है? डिस्टेंस, मतलब क्या? एल। बोलो यस और नो। के क्या भाई साहब? के है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। अब भैया मैंने बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट आपको 2-3 दिन पहले कराया है। बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट मैंने बताया था हीट अपॉन टेम्परेचर, याद आया? हीट मतलब एनर्जी, एम एल टी की पावर माइनस टू, एम एल टू टी की पावर माइनस टू, अपॉन टेम्परेचर यानी कि केल्विन। तो भैया ये हो जाता है एम एल टू टी की पावर माइनस टू और के की पावर कितना? माइनस वन। पक्का? तो के का मतलब बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, एम एल टू टी की पावर माइनस टू और के की पावर कितना? माइनस वन। ये हो गया। और थीटा कह रहा है, थीटा क्या है? एंड थीटा इज द टेम्परेचर, थीटा इज द टेम्परेचर। अरे भाई थीटा टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में नापो? केल्विन में। ओके, सब कुछ हो गया। इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी की पावर जीरो। तो भाई साहब यहाँ से के इनवर्स से के क्या हो गया? कैंसिल। एल ऊपर एक है, नीचे दो है, तो एक आ गया। बोलो यस और नो। तो अल्फा कितना आ गया? ऊपर जा करके बन जाएगा एम की पावर वन। बोलो यस। इधर पे L कितना बचा? एक बचा। और यहाँ पे T की पावर कितना हो गया? माइनस का टू, मतलब M1 L1 T की पावर माइनस टू। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अल्फा आ चुका है। आपसे क्या कह रहा? फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ बीटा, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ बीटा। अब थोड़ी सी दिमाग आपको यहाँ पे और लगानी है। देखो भैया ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, प्रेशर मतलब एम एल टी की पावर
प्रेशर ML2, एक मिनट प्रेशर निकालना पड़ेगा, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स कितना होता है ML T की पावर माइनस टू अपॉन L का स्क्वायर, मतलब एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर कितना माइनस टू, तो एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, बेटा अल्फा अपन ने निकाल लिया ऊपर, अभी अल्फा निकाला अपन ने, अल्फा हमने निकाल लिया, अल्फा कितना आया था देखिए यहाँ पे, एम की पावर वन एल की पावर वन टी की पावर माइनस टू, एम की पावर वन एल की पावर वन टी की पावर माइनस टू अपॉन में कितना बीटा, बोलो यस और नो, तो बीटा को ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ आंसर आ जाएगा, तो बीटा इक्वल टू एम की पावर वन एल की पावर वन टी की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू, क्लियर है? चलिए सॉल्व कर लीजिए। हाँ तो यदि कैंसिल हो जाएगा तो आंसर इसका आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी की पावर जीरो, ठीक है ना, तो मे भी कहीं पर मिस्टेक करी होगी अपन ने, इसको अच्छे से सॉल्व करिए, इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है एम एल स्क्वायर कहीं पर आ रहा, मतलब अपन ने कहीं पर मिस्टेक कर दी है, ठीक है ना, इसको आराम से लगा के सॉल्व करो आ जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है वो पता कर लिया है एक्चुअली, देखिए हमने यहाँ तक अल्फ़ा की लिमिट निकाल ली थी, अल्फ़ा की वैल्यू, अब यदि देखा जाए तो P इज इक्वल्स टू हमारे पास है कितना अल्फा अपॉन बीटा, P इज इक्वल्स टू है अल्फा अपॉन बीटा, सो बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा बाई P, अब ऐसे आएगा, सो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा की लिमिट कितनी, अल्फा की जो आई है डायमेंशन कितनी आई है m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस टू, और यहाँ पर जो P आया है वो कितना आया है, P आप जानते हैं प्रेशर होता है ना, m l की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू, तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो m से m कैंसिल हो गया और l की, तो m की पावर जीरो हो गया, l की पावर टू हो गया और t की पावर कितना हो गया, ये t भी कैंसिल हो गया तो t की पावर भी जीरो आ गया, तो ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, हमने इसको रेसिप्रोकल करके नहीं लिखा था, है ना, p को नीचे जाना था तो हमने p को ऊपर कर दिया था, तो ये आप सही कर लीजिए इसको, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, डन।